नमस्कार। अब मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से स्पिरिचुअल नॉलेज दूंगी। इसके लिए हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म के अनुयायियों का ग्रंथ है, परंतु इसको पढ़ने पे सभी धर्म के अनुयायियों के ऊपर एक बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। ये सभी धर्म के मानने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता। अध्याय एक, कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। जैसे कि आपको पता है कि भगवद गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दिया था। कब दिया था? जब अर्जुन जी ने अपने सभी रिश्तेदारों को युद्ध में देखा तो उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया कि भला मैं अपने ही सगे संबंधियों पर कैसे बाण चलाऊं या फिर उनसे कैसे युद्ध करूं, उनको कैसे मारूं। तो अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने ये दिया था भगवद गीता का उपदेश। अध्याय एक, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम कहा पांडवाश्चय किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कह रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र ये प्रश्न जो है वो संजय से कह रहे हैं। संजय कौन थे? धृतराष्ट्र के सारथी थे और वो वेदव्यास के शिष्य भी थे। संजय को वेदव्यास से ये वरदान मिला था, उनको दिव्य दृष्टि मिली थी कि वो दूर बैठकर भी कहीं का, जैसे आजकल आप लोग लाइव मैच देखते हो ना, उस जमाने में संजय को ऐसी शक्ति, दिव्य शक्ति मिली थी कि वो दूर बैठकर भी कहीं का सारा हाल जो है वो अपनी आंखों से देखकर किसी को भी बता सकते थे। तो इसीलिए, क्योंकि आपको पता है धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अंधे थे, तो संजय उनको युद्ध का सारा हाल बता रहे हैं। तो धृतराष्ट्र उनसे कह रहे हैं कि बताओ पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच, दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधन स्तदा आचार्य मुपसंगमय राजा वचनम ब्रवीत। संजय कह रहे हैं, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उसने ये शब्द कहे, पश्यताम पांडुपुत्राणा माचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तौ शीर्षेण धीमता। हे आचार्य, दुर्योधन कह रहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र शूरा महेश वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में भीम अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान विराट और द्रुपद। कौन कौन से उसमें धनुर्धर हैं उनके बारे में बता रहे हैं। दृष्ट केतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। इनके साथ धृष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधा मनश्च मन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधा मन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी जो है ये पांडव के तरफ हैं। अस्माकम तु विशिष्टा ये तानिभो द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तानब्रवीमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समित अंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोम दत्तिस्तथैव च। कह रहे हैं, मेरी सेना में स्वयं आप, क्योंकि ये सारे दुर्योधन की सेना में थे ना, कौन कौन से? गुरु द्रोणाचार्य तो थे ही, भीष्म, आप कह रहा है उनको, गुरु द्रोणाचार्य को, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, ऐसे ऐसे महारथी भी किसकी सेना में थे? उनकी, कौरवों की सेना में थे। अन्य चा बाहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्दत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। मतलब दुर्योधन ये कह रहा है कि अगर उधर इतने वीर हैं तो हमारे तरफ भी बहुत बड़े बड़े महारथी हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्मा भिरक्षितम, भिरक्षितम पर्याप्तम
त्विदमेतेषां बलम भीमा भिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है, अभिरक्षितम मतलब बहुत भली भांति से सुरक्षित, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। सभी को पता था कि भीष्म पितामह की मृत्यु होना असंभव है, इसीलिए वो कह रहा है कि हम सब जो है इनके द्वारा संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। पांडवों में भीम के पास बहुत शक्ति थी, लेकिन वो जो है जैसे कि भीष्म पितामह थे, उनको ये वरदान था ना कि उनको कोई भी पुरुष जो है मार नहीं सकता, वैसे भीम के पास ऐसा कोई वरदान नहीं था। तो इसीलिए दुर्योधन जो है वो सोच रहा है कि मेरी तरफ तो बहुत बड़े बड़े महारथी हैं। अने शुचा सर्वेशु यथा भागम वस्थिता भीष्म मेवा भिरक्षंतु भवंतः सर्व एव ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें, मतलब हम सिर्फ भीष्म पितामह की सहायता करेंगे तो हम ये युद्ध जो है भीष्म पितामह की सहायता से हम उनकी सहायता करेंगे और वो हमारा संरक्षण करेंगे, तो हम ये युद्ध जो है वो जरूर जीत जाएंगे। तस्य संजन यन हर्षम कुरु वृद्धम पितामह सिंहनादम विन ध्योश्च शंखम दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध महा पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे दुर्योधन को हर्ष हुआ, क्योंकि वो वीर तो थे ही पितामह, भीष्म पितामह, उन्होंने जब शंख को बजाया तो बहुत ही ऊंची ध्वनि में बजाया, जिससे दुर्योधन क्या हो गया, बहुत खुश हो गया। तथा शंखाश्च भेयरश्च पड़वान कगो मुखा सहसेवा भयहयनता सा शब्द स्तुमुलो अभवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही और सींग सहसा एक साथ बज उठे, वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण थे। मतलब कि युद्ध का प्रारंभ करने के लिए सारे के सारे जितने भी बजाने वाले थे, शंख नगाड़े बिगुल तुरही सब एक साथ बज उठे और उससे जो बहुत सारा शोर एक साथ हो गया। ततः श्वेत हय युरक्ते महती स्यंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रधद्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाई। मतलब कि कृष्ण जी जो अर्जुन के सारथी बने थे, उनके घोड़े जो है सफेद थे, उनके रथ के घोड़े सफेद थे, वो उनका रथ जो है खींच रहे थे और उन लोगों ने भी अपने अपने शंख बजाई। पांच जन्यम ऋषिकेशो देव दत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महासंखम भीम कर्मा वृकोदरहा। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। भगवान कृष्ण के शंख का नाम क्या था? पांचजन्य। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था, और अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अति भोजी क्योंकि वो बहुत सारा भोजन करते थे, इसीलिए उनको अति भोजी कहा गया है। उनके शंख का नाम क्या था? पौंड्र। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम को वृकोदर क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे थे वे अधिक खाते थे, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य भी बहुत करते थे। जैसे उन्होंने हिडिम्बासुर का वध किया था, अतः पांडवों के पक्ष में श्रीकृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए बहुत ही प्रेरणाप्रद था। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखांद धमुः पृथक् पृथक्। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। मतलब इसमें सभी के शंखों के नाम भी दिए हुए हैं। युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम था? अनंत विजय। नकुल के शंख का नाम सुघोष, सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक, महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजेय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र
और सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबने अपने अपने शंख बजाए, जितने भी महारथी थे सबने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि वेदारयत नभश्च पृथ्वीम चैव तुमुलो अभय नुनादयन। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि जो है कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। मतलब कि जब इतने महारथियों ने एक साथ शंख बजाया तो कौरवों की सेना में हलचल मच गई कि ये भी इतनी उच्च स्वर में शंख बजा रहे हैं। अथ व्यवस्थितान दृष्टाधार्त राष्ट्रांक पिध्वज प्रवर्ते सशस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः हृषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब संजय कह रहे हैं उनसे, धृतराष्ट्र से बता रहे हैं कि अर्जुन जो श्री कृष्ण से क्या कह रहे हैं। सेन योरु भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत याव देतात्री रिक्षे अहम योद्धु कामान वस्थितान कर्मया सह योद्धव्य मस्मी अनरण समुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं देखूं तो कि मतलब अपने सारे सगे संबंधियों को देख लूं। योतस्य मानान वेक्षे अहम या एते हत्र समागतः धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। सबको पता था कि दुर्योधन जो है वो अपने पिता का समर्थन पाकर ही ये युद्ध लड़ रहा है, पर अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं ये देख लेना चाहता हूँ युद्ध होने से पहले कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं और वो क्यों इसका जो है मतलब इसका साथ कौन कौन से लोग दे रहे हैं। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेन येरु भयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को बीच में ले चले तो कृष्ण ने उनके रथ को वहां पर लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्यतांस मवेतान कुरुनीति। भीष्म द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। उन्होंने कहा कि जितने भी कुरु हैं यहाँ पर उनको सबको देख लो, कुरु मतलब कुरुवंश के सदस्यों को। तत्रापश्यस्थि स्थिति स्थितान पार्था पितरनथ पिता महान आचार्यान मातु लान भ्रातर पुत्रान पौत्रान सखी सता श्वशुरान सुहृदयश्च सेन येरु भयोरपि। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन ने देखा कि ये सब वही है जिनके साथ में बचपन से खेला हूँ, उसमें उनके चाचा भी थे, पितामह थे, उनके मित्र थे, सभी शुभचिंतक थे। तान समीक्ष्य सा कौन तेयः सर्वान बंधून वस्थितान कृपया पर्याविष्टो विशीदन दिमब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्र तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युत्सयं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यन्
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों और संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वो ये सोच रहे थे कि मैं इन सब से कैसे लड़ूंगा, क्योंकि सब तो मेरे सगे संबंधी और मित्र हैं। वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, गांडीवम स्रंसते हस्तात्व क्वचैव परि दहात्तते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। नचा शक्नोम्य वस्थातुम भ्रमतीव चमे मनः, निमित्तानि चा पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सारे सगे संबंधियों को देख लिया था। नचा श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे ना कांगछे विजयम कृष्णचा राज्यम सुखानिचा। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मैं उसमें किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मुझे अगर अपने इन सगे संबंधियों को मारकर युद्ध जीतना है तो मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीर्वितेन वा येषामर्थे कांगक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्तक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घृणतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जन्नार्दना। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले अथवा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे क्यों ना मुझे मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। उन्होंने उनको कहा कि श्री कृष्ण से यही कहा कि मैं अपने इन सगे संबंधियों को मारकर अगर मुझे सारा तीनों जहान की भी मिल जाए, सारा विश्व विजयी कर लूं, तब भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सारे मेरे सगे संबंधी हैं और इनको मारकर मुझे राज्य का सुख नहीं चाहिए। पाप मेवाश्रयेद स्मानहत्व नातताइनः तस्मानार्हार्या वयम हन्तुम धार्त राष्ट्रान सबान्धवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखीनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ है, अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। वे यही कह रहे हैं कि कभी कोई अपनों को मारकर सुखी हो पाया है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो पहचेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे चापातकम कथम न गे मसम्माभिः पापादस्मात् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्व दीर्ज नारदन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोग ही अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप करने में क्यों प्रवृत्त हों। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे पता है कि ये सारे जो है वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, मतलब इनको किसी को मारने में कोई भी परहेज नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कार्य नहीं कर सकता। कुलक्षये प्रश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृसन्न धर्मो अभिभवयत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियाः
स्त्रीसु दुष्टासु वा श्रणे जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्ण वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। वो यही कह रहे हैं कि अगर जो है मैं इस तरह का पाप करूंगा तो इससे जो है हमारी आगे आने वाली संतानें भी जो है वो इस पाप की भागी होंगी। संग करो नरकाय कुलन घाना कुलस्य च पतंति पितरो होशाम लुप्त पिंडोद क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए, पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल और पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम ही लोग गलत कार्य करेंगे तो हमारे आगे आने वाली जो संतानें हैं वो भी गलत कार्यों में ही लिप्त होंगी। दो शय रेत कुलन घाना वर्ण संकर कार कह उत्साध्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्य नुशुश्रुषम। हे प्रजापाला कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। वे यही कह रहे हैं कि मैंने आज तक जो भी शिक्षा ग्रहण की है उसमें यही बताया गया है कि अपने कुल का अपने धर्म का नाश नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को जो है वो नरक मिलता है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यतः। ओह कितना आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्दत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्त राष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेम तरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते और रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारें तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने तो अपने धनुष बाण सारे रख दिए थे, वो कहते हैं कि चाहे मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र निहत्ता समझ के मुझे मार दें तो मुझे कोई भी ग्लानि नहीं होगी, तो कोई बात नहीं अगर वो मुझे मार दे तो। संजय ने कहा एवं मुक्तावार जुना संखे रथोपस्थ उपाविशत विसर्ज शस्त्रम चापम शोक संविग्ना मानसा। संजय ने कहा युद्धभूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। अब आपका यह प्रथम अध्याय जो है यह समाप्त हो चुका है। अब अगले वीडियो में मैं दूसरा अध्याय शुरू करूंगी। धन्यवाद।